मैं बताने जा रहा हूँ जो किलोमीटर जो इनर होता है जिसको के इनर बोला जाता है टूट जाता है या किलोमीटर ओवरम ख़राब हो जाता है, किस लिए ख़राब होता है आपको एक वीडियो अंदर बताने जा रहा हूँ। सबसे फर्स्ट नंबर, कभी भी गाड़ी आपके पास सर्विस करने के लिए आया तो आप इसको जो वायर होता है केबल, जो केबल के अंदर एक वायर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इनर, तो उसमें ग्रीसिंग कैसे किया जाता है वो बताऊँगा। पहले तो आपको दिखा दे रहा हूँ क्या क्या चीज़ से किलोमीटर का जो इनर होता है, जो केबल होता है टूटता है। एक तो ये जो केबल होता है कभी कभी क्या होता है रस पकड़ लेता, अंदर जंग पकड़ लेता है जिसको बोलते, तब उसके वजह से भी केबल टूट जाता है और ओरम भी ख़राब होता है जिसको बोलते हैं किलोमीटर ओरम। कहाँ आता है आपको भी दिखा दे रहा हूँ मैं, अभी खाली आपको एक शॉर्ट कट में बताने जा रहा हूँ मैं। अभी इसके अंदर आता है एक किलोमीटर ओरम। अगर केबल जैसे इनर जाम होता है तो कभी कभी क्या होता है इनर भी टूट जाता है और किलोमीटर ओरम भी ख़राब हो जाता है। और ओरम ख़राब होने का रीज़न एक भी होता है कि इसके अंदर जहाँ बैठता है जो खांचा रहता है कभी भी इसमें पहले ज़्यादा हो जाता है तभी भी किलोमीटर ओरम ख़राब हो जाता है। अगर आप एक बार डालिए दो बार डालिए तभी भी ख़राब हो जाता है। उसमें क्या करना चाहिए, जो लोखन का होता है लोखन का इस्तेमाल करना चाहिए। ओरिजिनल जो कंपनी का आता है वो आता है प्लास्टिक का, तो इसलिए पहले रहता है तो ख़राब हो जाता है। अगर आपको समझ लो कंपनी का ओरिजिनल डालना है, अगर इसके अंदर जो जहाँ बैठता है अगर प्ले है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो प्लेट होता है प्लेट आपको चेंज करना पड़ेगा। ये अगर आपको लोखन का मिल गया लोखन का डाल के इस्तेमाल करना चाहिए, अगर लोखन का चल रहा है तो अच्छी बात है तो आप उसी टाइम में उसी चलाओ, और नहीं तो आप पूरा चेंज करना पड़ेगा। एक तो ये हो गया रीज़न प्ले होने का। दूसरा रीज़न होता है इनर का, ये इनर होता है इसके अंदर, आपको दिखा दे रहा हूँ मैं कैसे इसमें गिल्ला रहना चाहिए कैसे सूखा रहता है वो भी बताऊँगा मैं आपको दिखाऊँगा। इसको देखिए अभी यहाँ से मैं निकाल रहा हूँ ओपन कर रहा हूँ, देखिए पूरा ये देखिए अभी पूरा समझ लो। ये देखिए अभी मेरे पास से गाड़ी आई थी सर्विस में, देखिए इसमें पूरा अभी देखो हाथ में दिख रहा होगा पूरा, ये समझ लो अभी इसमें ग्रीसिंग बराबर परफेक्ट लगा हुआ है। तो इसका जो इनर है बराबर इसका ऐसे रहना चाहिए, इसमें गिल्ला रहना चाहिए। वापस रिपीट कर रहा हूँ, कभी भी गाड़ी आप इसको सर्विस में आया तो उसमें थोड़ा हल्का से ग्रीस लगा देना चाहिए। यहाँ से निकल जाता है, यहाँ से निकल के तुम ग्रीस लगा सकते हो ऊपर से। मैं तो खाली ओपन दूसरा किया हूँ इसलिए मैं आपको ऊपर बता रहा हूँ। अभी एक तो ये होगा अभी ऊपर का बता दे रहा हूँ। और तीसरा रीज़न क्या होता है, तीसरा रीज़न ये होता है कि जो गाड़ी बहुत दिन से कभी कभी खड़ा रहता है, कभी कभी ओरम ये जो अंदर का होता है ये अंदर ओरम होता है तो इसका ओरम में कभी कभी ख़राब हो जाता है, तो ये जो होता है अंदर का जाम हो जाता है, इसके वजह से भी इनर ओरम ख़राब हो जाता है टूट जाता है, ये तीसरा रीज़न है। अब आपको रस दिखा रहा हूँ मैं। दूसरा एक हमारे पास अभी केबल मैंने चेंज किया हूँ मैंने गाड़ी का, यह है सुजुकी SS125cc न्यू मॉडल का गाड़ी का है। अब इसका मैंने इनर दिखा दे रहा हूँ आपको, इनर कैसे आता है इसका, कैसे ख़राब हुआ, क्यों टूटा, इसका वजह क्या है। देखिए अभी मैंने ये आपको एक्टिवो बताया, अब इसका आपको बता रहा हूँ सुजुकी SS का। ये देखिए ये दिख रहा है पूरा रस पकड़ा हुआ है, देखिए वापस दिखा दे रहा हूँ, ये देखिए पूरा ये दिख रहा है, ये देखिए ये पूरा इसमें ये रस पकड़ लिया हुआ है, ये देखिए ये ऊपर गया हुआ पूरा रस पकड़ा हुआ है। तो इसके वजह से जो किलोमीटर ओरम और इनर होता है ओरम होता है जल्दी जल्दी टूट जाता है ख़राब होता है, ये तीन रीज़न होता है, तीन प्रॉब्लम होता है कि किलोमीटर इनर टूटता है और केबल भी ख़राब होता है। देख लीजिए पूरा इसमें सूखा है, आपको दिख रहा होगा पूरा सूख गया हुआ है। तो इसके वजह से भी वापस रिपीट करना, इसके वजह से भी इनर टूटता है और आपका गाड़ी का किलोमीटर ओरम ख़राब हो जाता है, इसका रीज़न यही आता है, थ्री रीज़न। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन घंटी दबाओगे नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा बहुत ईजी से आपके पास पहुँच जाएगा।